अम्बाला शहर में नवरात्र को लेकर बाजारों में धूम मची हुई है। चारों तरफ बाजार सजे हुए हैं। माता रानी की चुनरी, नारियल, सभी प्रकार के दुकानों पर सजी हुई है। मंगलवार से नवरात्रि शुरू हो रही है और लोग नवरात्रि में उपवास भी रखते हैं और पूजन भी करते हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 10 में माता वैष्णो देवी मंदिर सजकर पूरी तरीके से तैयार है और इसकी आधारशिला पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद शर्मा ने रखी और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इसका उद्घाटन किया था। लोग बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं और शीश नमाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन नवरात्रों के कारण यहाँ पर भारी भीड़ होगी और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, नतमस्तक होते हैं। कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हैं और अंबाला शहर में वैष्णो देवी माता मंदिर के नाम से सेक्टर 10 में बहुत बड़ा मंदिर है जिसकी आधारशिला पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने रखी थी। इस मंदिर की आधारशिला पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने रखी थी और अंबाला की मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा वे गीता ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा भी इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये मंदिर जो है कई वर्ष पुराना है और जो लोगों का जो विश्वास है इस मंदिर के प्रति बना हुआ है और शहर के पूरे जो लोग हैं वो इस मंदिर में आते हैं, वैष्णो देवी की तरह पूरी यात्रा है इस मंदिर में। और कल से नवरात्रे शुरू है, मंदिर सज चुका है, संवर चुका है और लोगों का आना जाना कल से शुरू हो जाएगा। सुबह से ही लोग दर्शन करने आएंगे और नवरात्रों के कारण बाजार भी सजे हुए हैं। आज मानव चौक ले लीजिए, इको चौक ले लीजिए और वैष्णो देवी मंदिर के बाहर जो दुकान है वो ले लीजिए, पूरी तरह सजी हुई है और लोग कल से उपवास भी रखेंगे और अपनी खरीदारी भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कल जो है लोग अपने घरों में जो है खेतरी का पूजन करेंगे, खेतरी करेंगे और उसका पूजन करेंगे। पंडित जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वैष्णो देवी मंदिर से, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से। पंडित जी क्या शुभ नाम है जी अपना? सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं, सभी श्रद्धालुओं को। मेरा नाम मोहित नौटियाल है और मुझे माता के चरणों में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पंडित जी किस तरह का कल जो है नवरात्रे हैं, लोगों को आना जाना लगेगा? सबसे बड़ी बात है वैष्णो देवी मंदिर है, जिस तरह वैष्णो देवी मंदिर बना है वैसा ही बना हुआ है और लोग यहाँ दूर दर्श रहते हैं, किस तरह की अपनी तैयारी है कल? आप देखो आपके चैनल के माध्यम से तैयारी, आप देखो जोरों से तैयारियां हैं और कल आपकी क्या श्रद्धालु के अंदर एक अलग जिज्ञासा है और मंदिर को आने की यहाँ पे जो आस्था का प्रतीक है और शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है तो ऑफिशियली मतलब लोग आएंगे ही है। और यहाँ पे वैसे भी तो नवरात्र से पहले भी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लगातार यहाँ पर लगातार भीड़ रहती है। आपको तो पता ही होगा, आप तो लोकल है, लेकिन फिर भी आप कल से देखना सुबह से लेकर के और शाम तक बड़ा रश होता है और माता का आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात है मंदिर बना भी उस तरह से है, भान गंगा भी बनी हुई है पूरा ऊपर जो है पूरा, यही एक आकर्षण का जो प्रतीक है, आकर्षण यही इस मंदिर में है। तो आपकी भी ड्यूटी कल से सख्त हो जाएगी? हाँ, ड्यूटी सख्त है सुबह से शाम तक। और ड्यूटी नहीं, सेवा बोलो, श्रद्धा बोलो, ये बस कुछ कोई कुछ नया मंदिर में कुछ कल से नया होगा कुछ कोई हवन वगैरह या नहीं? हाँ, पूजन तो होगा माता का, 9 दिन तक लगातार पूजन होगा माता का, सुबह से शाम तक पूजन अर्चन होगा, श्रद्धालुओं का आना जाना रहेगा, प्रसाद वितरण होगा और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है, कामनाएं पूरी होती है दरबार में आकर के। जी हाँ, भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे हमारे यहाँ पंडित जी है जो कि वैष्णो देवी मंदिर में बैठते हैं। उन्होंने बताया किस तरह से कल से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, लोग उपवास रखेंगे, लोग माता रानी के दर्शन करेंगे और ये माता रानी का बहुत विशाल मंदिर है, सेक्टर 10 अंबाला में स्थित है माता वैष्णो देवी मंदिर के नाम से, जो कि सज संवर कर तैयार हो चुका है कल के लिए। बाजार भी सजे हुए हैं, लोग अपने मन पसंद की चीजें भी खरीद रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से।